So hello everyone, this is C.S. Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. This video is just regarding a small clarification on the applicability of a topic, that is the SEBI LODR regulations for your exams, right? I don't know why, what is the reason, but many of the students are confused regarding the applicability of SEBI LODR regulations. काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि सर SEBI LODR regulations ऑडिट में एप्लीकेबल है क्या, लॉ में एप्लीकेबल है क्या, मैं ओल्ड सिलेबस का स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर एप्लीकेबल है क्या? सो आई जस्ट थॉट ऑफ क्लियरिंग दिस कन्फ्यूजन आउट. First of all, I am talking about the old syllabus students, then I'll be talking about the new syllabus students, right? For the old syllabus students, SEBI LODR regulations is applicable only in audit. It is not applicable in law. ठीक है. And in audit, the chapter name is audit committee and corporate governance. तो old syllabus students के लिए जो SEBI LODR का टॉपिक है वो सिर्फ ऑडिट में एप्लीकेबल है, लॉ में एप्लीकेबल नहीं है, और जो टॉपिक का नाम है वो ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. और अगर न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स की बात करें तो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स के अंदर जो SEBI LODR है वो ऑडिट के लिए भी एप्लीकेबल है एंड वो लॉ के अंदर भी एप्लीकेबल है. इट इज़ एप्लीकेबल बोथ फॉर ऑडिट एज वेल एज लॉ. अगेन, ऑडिट के अंदर जो नाम है दैट इज द ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कंटेंट वाइज ऑडिट लॉ दोनों जगह सेम है SEBI LODR, बट न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को एक खासा चीज़ ध्यान रखनी है दैट ऑल्दो कंटेंट वाइज SEBI LODR रेगुलेशन इज सेम इन ऑडिट एज वेल एज लॉ, बट ऑडिट के अंदर और लॉ के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? अमेंडमेंट्स में डिफरेंसेस हैं. इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में जो अमेंडमेंट्स रिलीज करा है ना, दोज आर स्लाइटली डिफरेंट इन ऑडिट एज वेल एज लॉ. टॉपिक सेम है SEBI LODR, चैप्टर सेम है SEBI LODR, बट अमेंडमेंट्स अलग अलग हैं. तब जब आप ऑडिट एंड लॉ के अमेंडमेंट वीडियोज़ देखोगे, मैंने जो अमेंडमेंट वीडियोज़ डिस्कस किया है, तो उन अमेंडमेंट वीडियोस के अंदर ऑडिट के अंदर मैंने वो वाले एरियाज डिस्कस कर रहे हैं SEBI LODR के जो ऑडिट में एप्लीकेबल है, और लॉ के अंदर मैंने वो वाले पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं SEBI LODR के जो लॉ में एप्लीकेबल है. तो वो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. अदरवाइज टॉपिक दोनों ही जगह कॉमन है फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स एंड ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स. ध्यान रखेंगे SEBI LODR सिर्फ ऑडिट में एप्लीकेबल है, लॉ में एप्लीकेबल नहीं है. आई होप दिस क्लियर योर कंफ्यूजन. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.